कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें 5 न्याय, 25 गारंटी के साथ ही बड़े चुनावी वादे किए गए हैं। कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आज कांग्रेस मुख्यालय में इस घोषणा पत्र को रिलीज करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है, तो इधर राहुल गांधी ने भी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कई बातें कही हैं। ये घोषणा पत्र इसलिए अहम है क्योंकि मिशन 2024 को साधने के लिए इसको कांग्रेस पार्टी गेम चेंजर के तौर पर देख रही है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन पी चिदम्बरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बड़े वादे किए हैं। इसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों पर लगाम कसे जाने का भी वादा किया गया है। कांग्रेस ये सुनिश्चित करने का वादा करती है कि पुलिस, जांच और खुफिया एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। जिन बेलगाम शक्तियों पर अभी वो प्रयोग करते हैं उन्हें कम कर दिया जाएगा। जैसा भी मामला हो उन्हें संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। साथ ही अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा है कि संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन किया जाएगा और दल बदल जिस मूल पार्टी से विधायक या सांसद चुना गया था उसे छोड़कर विधानसभा या संसद की सदस्यता से स्वतः अयोग्य घोषित किया जाएगा। कांग्रेस के न्याय पत्र में कहा गया है कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो खाली पड़े 30 लाख पदों की भर्ती की जाएगी। गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस ईवीएम की दक्षता और मतपत्र की पारदर्शिता को संयोजित करने के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन करेगी। मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा लेकिन मतदाता मशीन से उत्पन्न मतदान पर्ची को वीवीपीएट इकाई में रख और जमा कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोट मिलान का मिलान वीवीपीएट पर्ची से किया जाएगा। कांग्रेस घोषणा पत्र में युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई है। इसमें 5 न्याय के अंदर 25 गारंटियां शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मौके पर कहा कि हमारा ये महज घोषणा पत्र नहीं है, देश के न्याय का दस्तावेज है। 25 गारंटी ने किसी न किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, खासकर युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप के साथ पक्की हो जाए, ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आगे कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम उसूलों वाले लोग हैं। हमारे नेता राहुल और सोनिया के नाम डर नाम की चीज नहीं है। पीएम मोदी देश विदेश के कई दौरे किए हैं लेकिन वो मणिपुर नहीं गए। डरे हुए लोग कभी देश नहीं चला सकते। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी हैं तो संविधान और लोकतंत्र पर आक्रमण किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करता है। जो भी भ्रष्ट है वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथों में। अब हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए, हमारे पास ओरिजिनल रास्ता जो था वही हमारा रास्ता है। हम जनता के साथ जाकर मिलकर उनके लिए लड़ते हैं। ये जो मैनिफेस्टो बना है ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो को लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यापक अभियान भी शुरू किया है। घर घर गारंटी अभियान के तहत कांग्रेस घोषणा पत्र को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। जाहिर है कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 5 न्याय,
25 गारंटियों का ऐलान किया है। इसके अलावा भी कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं। ऐसे में ये घोषणा पत्र जनता जनार्दन तक पहुंचाने के लिए अब कांग्रेस पार्टी मिशन मोड में घर घर गारंटी अभियान लॉन्च उसने कर दिया है और अब इसको घर घर लेकर जाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। यानी इस घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस पार्टी सत्ता में बदलाव को लेकर बड़े दम भर रही है। अब जनता जनार्दन को फैसला करना है कि ये घोषणा पत्र उनको कितना रास आता है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।